एक गांव में जया और मनोहर नाम का एक जोड़ा एक पुराने झोंपड़े में रहते थे। वे लोग एक गाड़ी पर आम बेचते थे। वे जो भी कमाते थे उसमें से उनके बच्चे दीपिका और तरुण के पालन पोषण करते थे। उसके झोंपड़े के बाहर एक पुराना हैंडपंप था। जया हर रोज उस हैंडपंप में से पानी आएगा क्या सोचकर उसे चलाकर देखती थी, मगर उस पंप में से एक बूंद का पानी भी नहीं आता था। एक दिन जया मनोहर से, अरे ये हैंडपंप क्या है जी, घर के आगे नजर के पुतला जैसा, ये क्यों काम नहीं कर रहा है? जानने के बावजूद भी अभी तक इसे आप निकाल के क्यों नहीं फेंकते हैं? जो है इस छोटे से जगह पर पौधे लगाने के लिए सोचा तो भी ये इधर बीच में है, इसे तुरंत निकाल के फेंकिए। ऐसा मत बोलो, इस हैंडपंप को हमारे दादाजी ने लगवाए थे, वो मरने से पहले भी, ए बेटा इस पंप को कभी भी मत निकालना, ये तुम्हें सही समय पर काम आएगा कहे थे। अगर ये हमारा काम नहीं आए तो भी उनके आखिरी ख्वाहिश के लिए इसे रखते है ना। ठीक है जी, दादाजी के सेंटिमेंट को बीच में रख दिया ना, अब मैं और क्या कहूँगी। उस साल उनके गाड़ी पर आम अच्छे से नहीं बेच पाए थे और उसका कारण क्या था कुछ समझ नहीं पाए, हर रोज सड़े हुए आम को फेंक रहे थे। एक दिन मनोहर, मैंने एक बात पता किया है, आजकल हमारे गांव में एसी वाला फलों का दुकान खोला है ना, वहाँ है तो ठंडा और ताजे रहेंगे सोचकर सब लोग फलों को वहाँ पर ही खरीद रहे हैं। उसकी वजह से हमारे जैसे बहुत सारे छोटे लोग व्यापार करना भी बंद कर दिए हैं। अब हम भी फल बेचना बंद कर देंगे तो अच्छा है। अयो, हमें तो सिर्फ फल बेचना ही तो आता है ना, हमें तो दूसरा काम भी नहीं आता है, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? छोड़ो, कुली के काम में जाएंगे सोचा तो भी हमारे शरीर को इतना भारी काम करने का आदत ही नहीं है, अब कैसे होगा जी? देखेंगे, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता तो दिखाएगा, तुम कुछ भी फिक्र मत करो। और ऐसे ही दोनों उदास होकर घर में बैठे थे। झोंपड़ी के पीछे दीपिका और तरुण खेल रहे थे, तभी तरुण के पैर के नीचे कुछ लगा, फिर पैर से मार कर देखा, तभी उसे एक लकड़ी का आवाज सुनाई दिया और मिट्टी को खोद कर देखा, उधर लकड़ी का दरवाजा था। तब दोनों तुरंत जाके वो बात अपने माँ पिता को बताए। फिर मनोहर और जया ने उस लकड़ी का दरवाजे को उठाए, नीचे सीढ़ी थे, वे चारों उस सीढ़ियों से नीचे गए। वहां पर एक आम का पेड़ था, उसमें एक ही आम था। ये क्या है जी, हमारे घर के नीचे आम का पेड़ है? मेरे दादाजी ने जो कहा था वो सच है क्या लग रहा है, रुको बताता हूँ। और उस पेड़ में चढ़कर उस आम को तोड़ा और फिर उसे सही तरीके से उस हैंड पंप के नीचे रखा, बस वो आम एकदम एक जेंट आम में बदल गया। उस हैंड पंप में से एक पाइप आकर उस आम के अंदर लग गई, वो देखकर वे लोग हैरान हो गए। फिर तुरंत ही ऊपर जाकर उस हैंडपंप के पास गए, फिर जया ने उस हैंडपंप को चलाई और उस पंप में से आम का जूस आने लगा। फिर बच्चों ने ग्लास में भर के पिए। बहुत स्वादिष्ट है मम्मी, और ठंडा भी है मम्मी। तब मनोहर और जया को बात पता चल गया, तुरंत ही मनोहर गांव के बाहर पाम्पलेट्स बांटा, स्वादिष्ट मैंगो जूस केवल 5 रुपए में कहकर अभियान किया था। तुरंत ही लोग आए, जया पंप मार रही थी तो मनोहर उस मैंगो जूस को एक बड़ा सा ग्लास जार में भर रहा था और उसमें से ग्लासों में भरकर लोगों को दे रहा था। वो मैंगो जूस बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से लोगों का दिमाग घूम गया था। बस उस दिन से लोग उनके हैंड पंप के आगे क्यू में खड़े रहने लगे। ऐसे वे साल भर हर सीजन में उस मैंगो जूस को बेचने लगे। कुछ ही दिनों में उनके झोंपड़े के जगह पर एक बड़ा सा घर बनाए। मेरे दादाजी मुझे कुछ भी नहीं दिए थे समझा, लेकिन ये बेहतरीन माया हैंडपंप दिए। वे हमेशा यज्ञ करते थे, तब मुझे वे क्यों कर रहे थे समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया। तब दोनों उनका फोटो को प्रणाम किए। कोपरगांव नाम के गांव में मंगाराम नाम का व्यक्ति जंगल में पेट काटकर जीता था।
उसकी पहली पत्नी के देहांत के बाद बेटा सीताराम के देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी सुनीता बहुत झगड़ालू थी और उनकी स्वीटी नाम की एक बेटी भी थी। वो अपने बेटी को अच्छी तरह से देखभाल करती थी मगर सीताराम को हरदम डांटती रहती थी। हरदम उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर गाली देती रहती थी। सीताराम के पढ़ाई रोकने के कारण सीताराम पिताजी के लाए लकड़ियों का छोटे छोटे टुकड़े करता रहता था, उन्हें सर पर रखकर गांव में बेचता रहता था। धूप का मौसम आते ही गंगाराम आम लाता था। सुनीता उनमें से खराब हुए फल सीताराम को देकर बाकी के फल अपने बेटी को देती थी। सुनीता, उसे आम के फल बहुत पसंद है ना, ये तुम्हें भी पता है। तुम उसे सिर्फ एक ही फल दिया क्यों, और एक दे सकते हो ना। वैसे स्वीटी उतने सारे फल नहीं खा सकती है ना, बच्चों में ऐसे बैर करना अच्छी बात नहीं है। आहा, बेटे के लिए कितना प्यार है देखो तो। क्यों, वो तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? वो कितने आम का है तो तुम्हें क्या जी। छी छी, अब इस घर में हम नहीं रह सकते, कहकर झगड़ने लगी। एक बार गंगाराम के पैर टूटने के कारण डॉक्टर 2 महीने के लिए आराम करने का सलाह देकर चले जाते हैं। क्या, 2 महीने काम करे बिना खुशी से आराम करोगे क्या? ऐसे कैसे होगा, घर कैसे चलेगा? मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। रे सीताराम, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। तुम्हारे पिताजी की तरह पेट काट कर पैसे लाओ, नहीं तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी, खबरदार, कहकर चेतावनी दी। ऐसे वो बेचारा जंगल में पेड़ काटने लगा और उन्हें बेचकर आए हुए पैसों से आम के फल खरीद कर उन्हें घर लाकर अपने माँ को देकर, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे 2 आम दीजिए माँ। क्यों रे, पैसे कमा रहे हो कहकर घमंड आ रहा है क्या? 2 फल चाहिए क्या? 2 फल स्वीटी के काए हुए गुटली दूंगी, उसे खाओ, तुम्हें वही बहुत है, कहकर पुकारने लगी। उसके बातें सुनकर वो बहुत दुखी हुआ, उसका पिता भी बहुत दुखी हुआ। एक बार वो जंगल में चल रहा था, उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पे बहुत सारे आम थे। उन्हें देखकर सीताराम के मुंह में पानी आने लगा। तुरंत एक पत्थर उठाकर आम को मारा, वो आम नीचे गिरा और सीताराम उसे उठाने ही वाला था कि उतने में वो फिर से पेड़ को चिपक गया। सीताराम उसे आश्चर्य होकर देखकर फिर से एक पत्थर लेकर उसे मारा। दूसरी बार भी फल नीचे गिर के फिर से पेड़ को चिपक गया। सीताराम को बहुत रोना आया। आम खाना मेरी किस्मत में ही नहीं है क्या? जी, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, कहकर रोने लगा। बेटा सीताराम, तुम दुखी मत होना, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं एक मायावी पेड़ हूँ, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए बोलो। तब वो अपने परिस्थितियों के बारे में उस जादुई पेड़ को बताया। तब उस पेड़ से बहुत सारे आम नीचे गिरे, वो खाकर सीताराम बहुत खुश हुआ। बेटा लगता है तुम बहुत मासूम हो, इसलिए सिर्फ आम खाकर खुश हुए, मगर उससे तुम्हारी परेशानियां कैसे दूर होंगी। रुको, मैं तुम्हारी दूसरी सहायता भी करूंगी। बस वहाँ एक मैंगो हाउस प्रत्यक्ष हुआ और वहाँ एक नल में से जूस आने लगा। बेटा अगर तुम उस जूस को पिए तो उस मैंगो हाउस के दरवाजे खुलेंगे, अंदर बहुत सारे सोने के आम मिलेंगे, मगर तुम्हें सिर्फ एक आम को ही लेना होगा। अगर लालच में आ गए तो बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना? तब सीताराम वो ग्लास में जूस पकड़ कर पिया, बस वो दरवाजे खुल गए। वो अंदर जाकर देखा तो बहुत सारे सोने के आम उसे दिखाई दिए। एक आम को लेकर वो वहां से चला गया। उसे घर में माँ को देकर जो हुआ वो सब उसे बताया। तब सुनीता उसे पकड़कर मारते हुए, निकम्मे नालायक, तू भी अपने बाप पे गया है बेवकूफ कहीं का, कहकर मारने लगी। रुक जाओ, उसे क्यों मार रही हो? बेचारा तुम्हें सोने का आम लेकर दिया है ना, और क्या चाहिए, उससे हमारे परेशानियाँ पूरे दूर हो जाएंगे ना। क्या लाया, सिर्फ एक आम, वहाँ उतने सारे सोने के आम छोड़कर हाथ हिलाते हुए सिर्फ एक आम लाया है, कहकर फिर से उसे मारने लगी। माँ सिर्फ एक फल को ही लेना है, नहीं तो कतरे में पड़ोगे कहकर उस जादुई पेड़ ने कहा है, इसलिए मैं नहीं लाया माँ। वैसे इस एक आम से हम करोड़पति बन जाएंगे ना, हमें और पैसे क्यों चाहिए माँ।
चुप बैठो। एक तो हाथ आए पैसे छोड़कर आए हो और मुझे ही भाषण दे रहे हो। वो जादुई पेड़ कहाँ है बताओ? वो सारे आम को कैसे लाना है मुझे पता है। सीताराम उसे लेकर जादुई पेड़ दिखाया। सुनीता उस जादुई पेड़ से झूठ बोलकर मदद के लिए पूछी। जादुई पेड़ ठीक है कहकर मैजिकल मैंगो ट्री को प्रत्यक्ष किया। सुनीता जूस पीते ही वो दरवाजा खुल गए। वो उसके अंदर गई। आहा, पूरे सोने के आम हैं। जितने हो सके उतने आम ले जाऊंगी कहकर पूरे आम को एक टोकरी में डाली। तब दो राक्षस वहां प्रत्यक्ष हुए। उन्हें देखकर सुनीता डर गई। क्यों री कुत्ती कमीनी, सिर्फ एक आम ले जाने कहा तो सारे आम ले जा रहे हो। बेचारे सीताराम को तुम उतने कष्ट दिए हो, तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे वो दोनों उसे पीटने लगे। बाप रे मुझे मत मारिए। आपसे मैं अच्छे से रहूंगी, मेरे पति और बेटे का देखभाल करूंगी कहकर उनके आगे हाथ जोड़ी। उस दिन से वो दोनों को अच्छे से देखने लगी। मैजिकल डायमंड चक्की। श्यामलपेट नाम के गांव में सरदार नाम का एक पहलवान हुआ करता था। उसे आम रेसलिंग में कोई नहीं हरा सकते थे। आगे बैठने वाले आदमी का हाथ चाहे जितना भी मजबूत हो, ये भाई साहब तो चुटकियों में ही उसे हरा देते थे। फिर हारने वाले लोग शर्त के प्रकार पैसे देकर नमस्कार करके चले जाते थे। उसी गांव में शुभम नाम का एक लड़का था। वो बहुत भोला था, माता पिता को गोलगप्पे बंडी पर मदद करता था। एक दिन बंडी के पास प्लेट्स धोते, डैडी मुझे एक आइडिया मिला है। हम गोलगप्पे को प्लेट में डालकर देते हैं ना, वैसे देने के कारण ही तो ये प्लेट धोने पड़ते हैं। साबुन का भी तो खर्चा होता है ना पिताजी, इसीलिए मैंने एक आइडिया सोचा है। हम सीधे गोलगप्पे कस्टमर के मुंह में डाले तो कैसा होगा पिताजी? तेरा सर, तेरी होशियारी पर तो मुझे रोना ही आ जाएगा गधे। ओ जी, क्या ये कभी होशियार नहीं बनेगा? हे भगवान, इसकी शादी कैसे कराएंगे? यूं दुखी होने लगी। एक दिन सामान लाने के लिए बाजार आया तो वहाँ लोगों के गुंप में इकट्ठा देख शुभम वहाँ आया। अंदर देखा तो सरदार किसी के हाथों को आर्म रेसलिंग में मोड़ दिया था। वो पैसे देकर हाथ जोड़कर वहाँ से जा रहा था तो सब तालियां मारने लगे। वो देखकर शुभम, ओ जी ये क्या खेल है जी, और वैसे वो आपको यूं पैसे देकर क्यों जा रहा है? ओ, तुम वो गोलगप्पे बंडी शुभम ही हो ना, इसे आर्म रेसलिंग कहते हैं। भाग लेने वालों में से जो भी दूसरे के हाथ को नीचे दबा देगा वही जीता। आओ एक दाव खेलो, मैं जीता तो 1000 देना और तुम जीते तो 10000 दूंगा, ठीक है ना? क्या, मैं जीता तो 10000 दोगे? मैं तैयार हूँ, वो पैसे देकर मेरे पिताजी मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे ना जी। अरे शुभम, मेरी बात मानो और अपने रास्ते निकल जाओ, बेकार में पैसे मत गवाओ। ए, कौन हो मां तुम? वो तैयार है कह रहा है ना, तो बीच में तुम क्या? तुम आओ शुभम, आओ। इस तरह दोनों आमने सामने बैठकर हाथ पकड़े। एम्पायर 1 2 3 कहते ही सरदार लटक से शुभम के हाथ को दबा दिया। बस लोग तालियां मारने लगे। बेचारा शुभम उसे 1000 रुपए दे दिया। क्यों रे, मुझे ही हरा कर पहलवान कहलाना चाहते हो? 10000 के लिए सपना देख रहे थे क्या? रे तू तो क्या, इस पूरे एरिया में मुझे हराने वाला कोई मर्दी नहीं है रे। जाओ जाओ गधे कहीं के। यूं उसका अपमान किया, बेचारा शुभम वहाँ से चले गया। ये बात जानकर उसके माता पिता घर के पास उसे खूब पीटे। वो अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका तो शुभम किसी तरह सरदार को हराने की ठान चुका था। तुरंत वो जिम जाकर जिम कोच को पूरी बात बताया। ये क्या अजीब चीज बोल रहे हो, तुम्हें सिर्फ दाहिने हाथ को ट्रेनिंग चाहिए, वो एक ही ताकतवर बनाना है, ऊपर से पूरी बॉडी नहीं सिर्फ हाथ ही तो है कहकर फीस भी कम करने कहते हो? कैसे इंसान हो भाई तुम, वो सब यहाँ नहीं चलता, चले जाओ जाओ जाओ। दाहिना हाथ ताकतवर होना चाहिए कह रहा हूँ, तो आप पूरे बॉडी को ट्रेन करने की बात कर रहे हो? मुझे जरूरत नहीं है, किसी न किसी तरह मेरे दाहिने हाथ को ताकतवर बनाऊंगा, उस सरदार को हरा कर दिखाऊंगा। घर आकर घर के ऊपर शेल्फ में रखे चक्की को नीचे उतारा। माँ, आपसे कोई भी घोल या आटा पीसना हो तो मशीन की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से ही पीसूंगा, ठीक है? इस तरह माँ के दिए आटे को घुमाने लगा।
इस तरह हर दिन आटे को पीसता था। एक दिन, ये क्या, आज माँ ने कुछ पीसने दिया ही नहीं, कुछ नहीं घुमाया तो मेरे हाथ को ताकत कैसे मिलेगा। आइडिया, पत्थर डालकर पीसता हूँ तब हाथ और बलवान हो जाएंगे ना, सोचा। इस तरह जब वो पत्थर डालकर घुमाने लगा तो उनमें से डायमंड्स बाहर आ गए। वो देखकर माता पिता दंग रह गए। ये हमारे पूर्वजों का जमाने का चक्की है, इसे हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी ये मायावी चक्की है, यानी हमारे पूरे दुख अब दूर हो गए। रे शुभम, ये बात कृपया करके किसी को बाहर मत बताना, ये एक बड़ा सीक्रेट है, ठीक है ना? ठीक है पापा, ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस तरह रोज वो पत्थर डालकर पीसता था तो उनमें से हीरे निकलने लगते थे। उन्हें बेचकर वे बड़े घर, कार सब खरीद लिए। गरीबों की मदद भी करने लगे। गांव वालों के लिए अस्पताल, वाटर टैंक, स्कूल, ये सब बनवाए। रोज वो चक्की को पीसते पीसते शुभम का दाहिना हाथ मोटा और ताकतवर बन गया था। एक दिन सरदार शुभम प्रतियोगिता के लिए मिले। अंपायर 1 2 3 कहते ही शुभम तुरंत सरदार के हाथ को दबा दिया। सब वो देखकर तालियां मारे। दंग होकर सरदार, सपना है या सच, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई? ये बल्ले बल्ले, आप हार गए, मैं जीत गया। मुझे हाथ का बल जानते हो कहां से मिला? वो मैं एक चीज को रोज घुमाता हूँ, वो क्या है ना? अरे नहीं, मैं नहीं कहूँगा, वो बात किसी को नहीं बताना है, ये पिताजी ने कहा है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मत पूछो प्लीज, मैं जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से निकल गया। इसकी वजह से सरदार को शक हुआ। फिर उसके घर की खिड़की से देखा तो शुभम चक्की पीस रहा था। वो हीरे देखकर सरदार हैरान रह गया। ओहो, ये लोग अचानक इतने पैसे कैसे कमाए, अब समझ आया, इसे किसी तरह अपना बनाना ही होगा, सोचा। इस तरह वो उस मायावी चक्की को चुरा कर ले गया। अगले दिन वो नहीं दिखने पर शुभम और उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। सरदार उस चक्की को घर पर रखकर, ओहा, इससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इस पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ, कहकर उसमें पत्थर डालकर पीसने लगा। बस उनमें से सांप, कीड़े, मकोड़े बाहर निकले। वो उस पर चढ़कर जब काट रहे थे तो वो, बाप रे चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। वो चक्की उड़ते उड़ते फिर से शुभम के घर पहुंच गई। उसे देखकर वे सब लोग बहुत खुश हो गए थे। एक गांव में सिद्धू नाम का एक बोना लड़का हुआ करता था। वो छोटे बच्चों के साइकिल पर गांव भर में घूमता रहता था। उसे देखकर गांव वाले उस पर हंसते थे। ये देखकर सिद्धू बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन सिद्धू बिल्डिंग्स पर पेंट लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर सुभाष के पास गया। सर, मुझे पेंट लगाना अच्छे से आता है सर, नौकरी ना होने के कारण पैसों की बहुत तंगी हो रही है, आपके पास कोई पेंटिंग का काम दिलाइए ना सर। तू क्या और तेरा हाइट क्या है, मैं चाहूँ तो कितनी भी बड़ी सीढ़ी दू तुम दूसरे मंजिल तक भी रंग नहीं लगा पाओगे, तुम ये पेंटिंग का काम नहीं कर सकते, दूसरा कोई काम ढूंढ लो। सिद्धू बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल गया। इस तरह सिद्धू को कभी कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन सिद्धू गांव के बाहर साइकिल को रोककर खड़ा था। इतने में उसे एक छोटा सा पौधा नजर आया। सिद्धू उसे देखकर, अरे इतना छोटा पौधा मैंने कभी नहीं देखा, ये तो छोटा पौधा नहीं लग रहा है, मेरी तरह इसकी उम्र बड़ी है लेकिन इसका कद नहीं बड़ा है, बेचारा लगता है इसे कोई पानी नहीं डाल रहा होगा, सोचा। तुरंत बगल वाले कुएं से बकेट में पानी भरकर पेड़ को पानी डाला। इस तरह बहुत देर तक उस पेड़ को पानी डालते ही रहा। तब वो पौधा बहुत बड़े पेड़ में बदल गया। फिर पेड़ ने बात करना शुरू किया। बेटा सिद्धू, मैं एक मायावी पेड़ हूँ, एक मुनि के श्राप की वजह से मैं कद में छोटी होकर मेरे सारे मायावी शक्ति खो बैठी। मुझे मुनि ने कहा था कि तुम जैसा कोई मुझ पर पानी डालेगा तो मैं मामूली पेड़ में बदल जाऊंगी। अब तुम्हारी वजह से
मैंने अपनी सारी शक्ति पा ली है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बड़े इंसान में बदल रही हूँ। और इसी तरह तुम जो भी चाहो वो चीज बड़ी हो जाएगी, और अगर तुम चाहो तो छोटे में बदल जाएगी। अब तक तुम्हें जो सता रहे थे वो गांव वाले अब तुमसे डरकर नमस्ते करेंगे बेटा। तुरंत सिद्धू जायंट माइंड की तरह बदल गया। सिद्धू ने उस पेड़ को नमस्कार किया। सिद्धू फिर तुरंत अपनी छोटी सी साइकिल को अपनी उंगली से इशारा किया, बस वो बड़ी सी साइकिल में बदल गई। सिद्धू वो बड़े से साइकिल पर बैठकर गांव में आया। उसे देखकर गांव वाले चकित रह गए। सिद्धू फिर पेंटर सुभाष के पास गया। वो एक बड़े 12 मंजिल बिल्डिंग को पेंट लगा रहा था। सिद्धू फिर पेंट और ब्रश लेकर आधे घंटे में उस पूरे बिल्डिंग को पेंट कर दिया। सुभाष सिद्धू को शुक्रिया अदा करके उसे पैसे दिया। इस तरह सिद्धू बड़े बड़े बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द अपने साइकिल पर घूमकर पेंट कर देता था। इस तरह सुभाष और सिद्धू खूब सारे पैसे कमाने लगे। ऐसे सिद्धू उस गांव में नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ देता था। सब जो काम के लिए एक महीने लेते थे वो उसी काम को एक दिन में खत्म कर देता था। एक दिन एक आदमी सेलफोन टावर पर चढ़कर नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। नीचे खड़े लोग नहीं नहीं चिल्ला रहे थे। तब सिद्धू धीरे से सेलफोन टावर के पीछे से जाकर उसको पकड़ा और अपने हाथों से नीचे उतारा। तब पुलिस वाले आकर उसे पकड़े। गांव वालों ने तालियां बजाई। एक बार जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर से आ रही थी उसी समय ब्रिज टूट गया और ट्रेन घाटी में लटकने लगी। सिद्धू तुरंत वहां अपने साइकिल पे जाकर उस ट्रेन को साइकिल से जोड़ा और पूरी ताकत से साइकिल चलाया। तब ट्रेन घाटी से बाहर निकली। इस तरह ट्रेन को खींचते हुए स्टेशन तक पहुंचाया। प्रयाणिक ट्रेन से उतरकर सिद्धू को नमस्कार किए। जब जरूरत नहीं पड़ती सिद्धू मामूली इंसान में बदल जाता और अपनी छोटी सी साइकिल पे ही जाने लगता। लेकिन तब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि नमस्कार करते थे। इस तरह गांव के लोग सिद्धू को एक भगवान की तरह देखने लगे। मैजिकल वॉल्ट एंड हैमर। जामभाग नाम के गांव में एक कबाड़ी वाला हुआ करता था। उसका नाम परमेश था। लोग पुराने रेडियो मिक्सर ये सब देकर पैसे ले जाते थे। परमेश बहुत शातिर था तो बहुत कम पैसे दिया करता था। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक सोने के रंग की तिजोरी और एक सोने के रंग का हथौड़ा गाड़ी पर रखकर कबाड़ी के दुकान पर आया। क्यों बुड्ढे, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो? कहीं पुराने सामान को इकट्ठे करके किसी और को तो बेच नहीं रहे हो? अरे वैसे कुछ नहीं है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये लो ये तिजोरी और हथौड़ा गांव के बाहर मिले। ये देखने में तो सोने का रंग का है लेकिन सोना नहीं है। कितना देगा बोल? इनका मैं क्या करूँगा, चाहो तो 200 दूंगा। देना है तो दे वरना ले जा। तुम कभी सही दाम नहीं दोगे ना, अब क्या करेंगे? खैर ठीक है, कहकर पैसे लेकर चला गया। अगले दिन सोमेश नाम का व्यक्ति दुकान पर आकर, परमेश कल हमारे घर चोर घुसा है और सब चुरा लिए, तुम्हें तो पता है ना। तो मेरी पत्नी कह रही थी कि वैसा कोई तिजोरी ले ले जिसमें पैसे संभाल कर रख सकते हैं। अब नया खरीदने की स्थिति तो मेरी है नहीं, क्या तुम उसे मुझे बेचोगे? जरूर मेरे दोस्त, मैं इसे 2000 में खरीदा। अब दोस्तों से तो लाभ नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए जो दिया उसी दाम पर तुम्हें दे रहा हूँ। उसी के साथ इस हथौड़े को भी ले जाओ, शायद किसी काम आ जाए, कहते हुए उसे दिया। इस तरह सोमेश ने चीजों को घर ले आया। पत्नी से, देवी हमारे कमाए सारे पैसे तो चोरी हो गए हैं। अब से बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे,
लिए हुए उधार को चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं समझ नहीं आ रहा है। कम से कम अब से कमाए पैसों को संभाल कर रखना चाहिए, सोचकर ये देखो इसे खरीद कर लेकर आया हूँ। तब तिजोरी, बेटा सोमेश, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक मायावी तिजोरी हूँ। ये देखो इस हथौड़े को लेकर मुझे जोर से मारो तो तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मिले चीजों से कुछ मदद गरीबों की करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तब हाथ जोड़कर सोमेश, माँ बहुत बहुत शुक्रिया, कठिन समय में भगवान जैसा प्रकट हुई। मुझे पैसों की जरूरत तो है लेकिन पैसों से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। कहते हुए हथौड़े से उस पर मारकर, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए कहा। बस तिजोरी में से पैसे बाहर निकले। अपने खर्च और उधार चुकाने के बाद बचे हुए पैसों को गरीबों में बांट दिया। इस तरह हर दिन गरीबों में पैसे बांटते हुए देख रहा परमेश को शक हुआ और वो चुपचाप सोमेश के घर पर जाकर गौर से देखने लगा। माँ तिजोरी, आपके पुण्य के वजह से कई सारे गरीबों की भूख मिटा पा रहा हूँ। गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने की सोच रहा हूँ, उसके लिए कितना चाहिए उतना सोना दे माँ। कहते हुए हथौड़े से उस पर मारा। तब तिजोरी से सोने के सिक्के नीचे गिरे। वो देखकर परमेश हैरान रह गया। उस रात चुपचाप सोमेश के घर पर आकर उस तिजोरी और हथौड़े को चुरा लिया, उन्हें घर पर रखकर। आहा, आपसे तो मुझे सोना दे धनाधन मिलता रहेगा। मेरी पत्नी के पेट में तो कोई बात राज नहीं रहती, उसे ये मामूली तिजोरी है कह के बोलूंगा, सोचा। फिर पत्नी को बताया कि वो मामूली सी तिजोरी है। अगले दिन पत्नी, छीछी इस आदमी को तो शर्म ही नहीं है, पुरानी तिजोरी लाकर नई तिजोरी कहकर झूठ बोलते हैं, इसे सबक सिखाना होगा। फिर उस तिजोरी को ले जाकर घर के बाहर पुराने सामान खरीदने वाले बूढ़े आदमी को देकर, ये लो बूढ़े, इसे तुम ही लेकर बेच दो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, कहकर चली गई। ये क्या, मेरी बेची हुई चीज मुझे ही लौट कर मिली, कोई बात नहीं किसी को भी बेच दूंगा, सोचा। फिर घर आकर परमेश तिजोरी के बारे में जानकर, अरे ये क्या किया तुमने, वैसे किसे बेचा, आखिर में बूढ़े को पकड़कर पूछा तो उसने कहा कि उसे तिजोरी के दुकान पर बेच दिया। परमेश हथौड़े के साथ तिजोरी के दुकान पर आकर देखा तो वहाँ बहुत सारे तिजोरी रखे थे। वो हथौड़े से पागलों की तरह एक एक पर मारते हुए, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, 1,00,000 चाहिए, इस तरह हर दिखे तिजोरी पर जोर से हथौड़े से दे मारा। इसकी वजह से दुकान के लोग आकर उसे खूब पीटे। खोया हुआ तिजोरी और हथौड़ा उसके घर लौटने से सोमेश बहुत खुश हुआ।